किस चीज का? तुम नौ पेन टेबलेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखोगे। गीता, तुम मेरी जिंदगी हो, ये मेरा फर्ज है। दोनों को टकराने की कोशिश मत करो। मेरा नहीं तो कम से कम डैडी का ख्याल करो, वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं मजबूर हूँ। तुम तो जानते हो कि उन्होंने लास्ट दिन के काम में कभी दखल नहीं दिया। अगर तुम कुछ लिखोगे तो डैडी पर भी इल्जाम आएगा और वो बिल्कुल बेकसूर है। तो फिर मुजरिम कौन है? वो अंधा बाप जिसका सहारा छीन गया। तुम्हारी नजरों में एक इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? आखिर तुम मेरे दुखों को जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें उन मजलूमों की फरियाद क्यों नहीं सुनाई देती जिन्हें हंसी के बदले आंसू दिए गए? उनके आंसू कौन पूछेगा? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे आंसू कौन पूछेगा? लालचंद तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। उसने कहा है अगर तुमने अखबार में खबर कर दी। मौत जिंदगी में एक बार ही आती है गीता, जब आनी होगी आ जाएगी। कहाँ जा रहे हो? लालचंद के पास बयान लेने। विजय, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। ये जिंदगी कुछ भी नहीं गीता, सच्चाई के लिए मर जाना ही जिंदगी है। और ऐसी जिंदगी मुझे पसंद है। मुबारक है वो घड़ी जब तुम पैदा हुए थे। चाचा जी बाबू, लालचंद का फोन आया था, उसने सच्चाई की कीमत मांगी, वही देने जा रहे हो। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलिए। घबरा नहीं बेटी। मैंने उसे बहुत मना किया मगर वो नहीं माने। जल्दी कीजिए डैडी, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? चलिए ना। चल चल। अम्मा तुम यहाँ? मैं लालचंद का बयान लेने आया हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारा बयान लेने से पहले लालचंद ने तुम्हारी जान ले ली तो मेरी मानो तो लौट जाओ। मैं मौत से नहीं डरता। अमर तुम भी अपने बाप की तरह कतई उल्टी खोपड़ी के आदमी यार। खैर कोई बात नहीं, समझाना हमारा काम है ना समझना तुम्हारा। लालचंद कहाँ? अभी वक्त है, भाग जाओ। मैं भागने के लिए नहीं, उन्हें कड़ी पहनवाने के लिए आया हूँ। मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नकली दवाइयाँ कारखाने में नहीं, इस खुफिया जगह में बनाई जाती है। तो मैनेजर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, उसका हिसाब तो मैं बाद में चुकाऊंगा। ये सब मालूम हो जाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। विजय के मर जाने से सच्चाई नहीं मरेगी लालचंद, हजार विजय पैदा हो जाएंगे। हजारों को खत्म कर दूंगा, जो मेरे रास्ते में उसे मिटा दूंगा। कानून तुम्हें मिटा देगा, उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चाची जी बाबू, शैतान, वो नहीं तू है। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरी खुशियां छीनी और अब मेरे बाप पे हाथ उठा रहा है।